दैनिक जागरण न्यूज भटवा प्रमोद सिंह। आज मैं कैथा हिनो गांव में आया हूं। एक देवी जी के मंदिर का कार्य चल रहा है। हमारे महाराज जी श्री शिवानंद द्विवेदी जी इसमें अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। महाराज जी, जरा बताइए, आप इसमें माता जी के संबंध में आपसे कितना बड़ा प्रेम हमें लग रहा है कि आप जैसे लोग अगर सब हो जाएं तो हिंदुस्तान आगे जा सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सब लोगों के विचार एक जैसे नहीं हैं। लोग धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, जाति के नाम पे बटे हुए हैं, श्रद्धा के नाम पर बटे हुए हैं, ऊंच नीच के आधार पर बटे हुए हैं। जी, और आजकल विशेष तौर पे धर्म के प्रति तो लोगों की बहुत कम रुचि है। अब हमारे क्षेत्र में जैसा कि आपने जिक्र किया, श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है जहाँ से आप होते हुए आए। मैं उस मंदिर में गया था सर, आपका व्यवस्था देखा, बहुत अच्छा बिल्कुल, लगा मेरे को सर। तो बेसिकली वहाँ पे महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर वर्ष श्री शिव महापुराण का कार्यक्रम किया जाता है, और इस वर्ष हमने उसको महाशिवरात्रि महोत्सव का नाम दिया हुआ है, क्योंकि 31 जनवरी को माघ की पूर्णिमा थी, और हर एक पूर्णिमा को हमारे इस हनुमान जी मंदिर में मानस कीर्तन अथवा ओम नमः शिवाय का कोई विशेष 24 घंटे का अखंड कार्यक्रम होता है। उसी तारतम्य में 31 को चूँकि पूर्णिमा थी तो हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया 31 जनवरी से 1 फरवरी तक श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हुआ। फिर 2 तारीख यानी 2 फरवरी, कल ही आपने देखा कि उसमें कलश यात्रा का कार्यक्रम था। हमने वो सारी चीज़ें फेसबुक में आपके और तमाम शेयर की हुई हैं, जी, और अब आज 3 फरवरी है और बैठकी का कार्यक्रम वहाँ पे है। अब इस मंदिर पे आप जो खड़े हुए हैं, इसके बारे में हम आपको बता दें, ये हमारे कैथा का बहुत प्राचीन देवी माँ का मंदिर है। अब जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे यूट्यूब में, फेसबुक में, तो जब लोग इसको जानेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, क्योंकि 12 मौजा जो हिनौती है वो पूरा इस देवी माँ के दर्शन के लिए सैकड़ों वर्षों से आ रहा है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में यहाँ पे लाइन लगती है माताओं बहनों की विशेष तौर पर। तो ये वही है कैथा का देवी, प्राचीन देवी मंदिर, और दुर्भाग्य है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है, क्योंकि ये शासकीय भूमि पर नहीं है, अभी भी लोगों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में है। तो जिनकी प्रॉपर्टी में है वो इसमें कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, शायद उनकी श्रद्धा उतनी ज़्यादा नहीं रही, ऐसा कह सकते हैं। और हम लोग चूँकि ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति हमारी असीम श्रद्धा है, तो इसलिए हम जब भी कार्यक्रम होता है तो अपने तरीके से व्यक्ति प्रयास करते रहते हैं हम लोग। जैसे मान और लीजिए पंडित जी, आप इसमें गांव का सहयोग भी रहता होगा आपके कार्यक्रम में। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, आप सबका सहयोग रहता है, आप सबके बिना सहयोग के ये कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा धर्मार्थ समिति जो एक एनजीओ है, जी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, हमने उसको रजिस्टर्ड करवाया रीवा से ही है 2013 में, और उसी के एक तरह से कह सकते हैं कि छत्र छाया में, उसी के छत्र छाया में सारे कार्यक्रम चलते हैं। जी और उन कार्यक्रमों में विशेष तौर पे हनुमान जी मंदिर में जो हमने आपको बताया वो कार्यक्रम रहते हैं। चैत्र नवरात्रि में यहाँ भी भागवत 2-3 बार हुई है, हर वर्ष ही होती है जी चैत्र की जो नवरात्रि अच्छा आती है। जी, यहाँ व्यवस्था चल रही सर, ये आपकी भागवत की तैयारी चल रही है यहाँ पे। जी अभी बेसिकली भागवत तो आप अभी नहीं कह सकते कि यहाँ पे भागवत होगी फिलहाल, लेकिन चैत्र नवरात्रि पे यहाँ पे भागवत होती है, तो जी चैत्र नवरात्रि का जो समय है उस समय यहाँ पे श्रीमद् देवी भागवत का कार्यक्रम इस तरह से। इसको आप शासन प्रशासन के पक्ष में रखिए कि इस मंदिर को थोड़ा ध्यान दिया जाए। बहुत सही आपने कहा है, और हम आपको बता दें कि जब गिरीश गौतम कभी यहाँ पे शायद विधायक थे मनगमा जी के, थे विधायक थे मैं। बिल्कुल बिल्कुल, गिरीश गौतम जब यहाँ पे विधायक थे तो उन्होंने इस मंदिर के निर्माण और चबूतरे के लिए, हमने ऐसा सुना है, 2.5-3 लाख रुपए या समथिंग ऐसा अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने दिया था, और वो राशि नहीं आ पाई, नहीं बन पाया मंदिर, क्या कारण था, वो राशि रिटर्न हो गई कि कहाँ फंसी हुई है ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा सुनने में आया हुआ है। तो आप जैसा समझ सकते हैं कि आखिर सार्वजनिक सहयोग से हो, जी जनमानस करे नंबर एक बात, अथवा दूसरी बात शासन प्रशासन इसको अपने अंतर्गत ले, वही वही या इसी तरह शासन से भी ले सकता विधायक, है भाई, जी अगर बिल्कुल, कोशिश करेंगे तो विधायक, शासन भी ले सांसद, सकता है। मंत्री, ये इस तरह से लोग थोड़ा सा बिल्कुल करें तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें राशि का खेल है, और राशि बिल्कुल आम जनता से, तो आप समझ सकते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया जब आपने वीडियो प्रारंभ किया है कि धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति आज की तिथि में लोगों की जो रुचि है वह निरंतर घटती हुई प्रतीत होती है, यद्यपि ऐसा क्यों धार्मिक हो रहा कार्यक्रम। महाराज जी, आप बताइए थोड़ा सा कि पब्लिक क्यों इतना निरंतर बदल रही है। अब इसके बारे में तो ईश्वर ही बता सकता है कि वो क्यों सबको बदल रहा है, जी क्योंकि हर एक आत्मा में उसी का वास है, और वो जो चाहता है वही होता है। वही होता है और यदि सही। आप हिंदू संस्कृत में जाएंगे तो एक कलयुग का समय चल रहा जी है, जी तो वो हृदय में किस तरह से लोगों के परिवर्तन लाना चाहता है, क्या करना चाहता है, अब आप देख सकते हैं।
फिलहाल तो क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम आपका चल रहा है देवी जी का, हनुमान जी में जो कार्यक्रम चल रहा है जी, उसी के उपलक्ष्य में हम आज जब सुबह आए यहाँ पर देवी माँ के दर्शन करने के लिए, तो मुझे अचानक दिखा, तो हमने कहा कि इसको हम यद्यपि हम हर वर्ष ही इसको यहाँ पे करवाते हैं, व्यवस्था आप ही करते हैं यहाँ का? हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं और हम जब कहेंगे तो मैं नहीं, उसमें हम मतलब आप, हम सब समाज इसमें सहयोग बिल्कुल, करता बिल्कुल, है बिल्कुल। तो आप सबके सहयोग से, लेकिन विशेष तौर पे इन चीज़ों में हमारी श्रद्धा है, हमारी देवी माता के प्रति, बजरंग बली के प्रति, ईश्वर के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति। ये हमारे माता जी का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ की व्यवस्था एक नंबर के है। हाँ हिसाब मंदिर के हिसाब से अच्छा है, लेकिन माता जी का महिमा होगी तो मंदिर तत्काल सरकारी हैंड उसको हैंड ओवर ले लेगा।